बेटा आप कहाँ से आई हैं? मेरठ से। तबीयत कैसी है? ठीक है। अब तो ठीक है जी। तो जैसी थी उसी कर दें कि ऐसे ही रहना अच्छी रहना चाहती हो? और नहीं, ठीक रहना चाहते हैं। ठीक रहना चाहती हो? तो बेटा हमने आपको जो बताया था उससे आप संतुष्ट हो? जी। बस मैं बेटा आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप मेरी छोटी बहन हो, बस आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, आप अपने भाई के रूप में मुझे एक मिनट के लिए देखो अच्छे से। जी। आप जिसके चक्कर में पड़े उसको छोड़ दीजिए, ये बदमाश व्यक्ति है, ये आपसे शादी नहीं करेगा। क्या छोड़ पाओगी? जी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। पक्का? जी पक्का। जी बेटा तुम ठीक हो जाओगी और दिन दूने बढ़िया आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। आपको शरीर में थोड़ी सी दवा डॉक्टर को आप इलाज ले लेना, सूजन खत्म हो जाएगी। चल रही है तो आप कह रहा हूँ अब ले लेना, और इनकी दिमाग की दवा आप नहीं चलेगी, पागलपने की दवा नहीं चलेगी, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि विशांत गुर्जर कौन है? ये लवर था मेरा। आपका लवर था? ये आपके बुआ का लड़का है? जी। सगी बुआ का? तुम्हारे ससुर के मतलब इसके जो हुआ जो तुम्हारे ससुर है ना उनकी बहन का लड़का है, दे आपके यहाँ भानज बोलते हैं उसको, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ उल्टा नियम है, आप बहू हो, ठीक है? तो तुम्हारा वो भानज हुआ, तुम्हारा भांजा। ऐसा तो मेरी बात सुनिए, आगे छोड़ो मेरी बात, मेरी बात को समझ लिया, हमें इसकी ज़्यादा लैंड नहीं आती है आने भानज का, हम तो सब जानते जो मामा है उसका वो लड़का जो बहन का लड़का है वो भांजा हुआ, इससे अलावा नहीं जानता, और जो नहीं जानते मैं उसमें बोलने की अधिकार नहीं है मेरा, क्योंकि हम ज़्यादा क्यों घसीटें। और बेटा ये तो एक तो विशांत को छोड़ना है, स्कीम पर देखिए, विशांत गुर्जर कुल देवता आपके नाराज हैं, दूरी बनी है, उसकी माँ का नाम राजेश है, पिता का नाम बीरेंद्र है, भारतीय पागल टाइप स्थिति रहती है, उसके कारण इसका माइंड सुन है और ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चली गई है क्योंकि उसने धोखा दिया है। दूसरा ये भी सुनिए, आपके दोस्त फ्रेंडों ने ये आपको गलत जगह पर भटका दिया है, और उस आपकी दोस्त फ्रेंडों के जो अफेयर थे उनने सोचा कि हम गंदे हैं तो आप भी गंदी हो जाएं। जी कहते ना गंदे को गंदा करना, तुम अच्छी रहोगी तो तुम टंच कसोगी उसके ऊपर कि तू ऐसी तू ऐसी, तो जब गंदे कर लेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, तो बराबरी के हो जाते ना, या तू तो ऐसा है तो तू भी तो ऐसा है, बस राइट, जिंदगी राइट है। तो जो चेतन नाम का व्यक्ति है, जी जी चेतन, उसने क्रिया कराई फ्रेंड पर और फ्रेंड ने कराई तुम्हारे ऊपर, उसका साइड इफेक्ट है कि आप उसकी चक्कर में पड़े। आपकी फ्रेंड का एक जो आपकी दोस्त लड़की थी उसके गर्लफ्रेंड का नाम, उसके फ्रेंड का नाम चेतन था, जी जी, उसने पान की क्रिया करा के उसको कराई, उसने तुमको भी खिलवा दी, तो उसके कारण से आप भी भटक गई, और उसने ही कहा कि तू बात कर बात कर, सबके होना चाहिए। जी जी राइट जी। बेटा आज से तुम मुक्त, और तुम्हारे घर में जो देवता है पूजेंगे कृपा करेंगे, लेकिन आपको अगले महीने यहां पर पंडोखर धाम में 11 दिन रहना है, 30 तारीख से 11 तारीख तक मुझे आना पड़ेगा सर। तो क्या हम पे भूत चढ़ेगा? ठीक नहीं होना तो जाओ। क्या कहा? पता नहीं झूठ है सच्चा क्या है कि ना, ने दुल्हन होती है होली 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 दुल्हन जो होती है, मेरी गारंटी है इसको कुछ नहीं होगा। अच्छा तब तो भरे ऐसे क्यों पड़ते, कुछ नहीं होगा, देव भूत प्रीतों की तो औखादी क्या है, ठीक है? और झूठी मूठी मट को टुंड फुस करो तो भैया तुम पे हुआ, इन्हें पे आता है, पति के ऊपर आओ, पूरे पंडाल उछल लगे, हवाओं का जा रहा हूं मैं सत्य को स्वीकार करता हूं, मैं सत्य को नहीं, मैं एक मिनट में ऐसे लगा दूंगा जैसे पान पे कत्था लगता है, हाँ मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, वैसे मैंने बैन बोल दिया है, और ज्यादा कहो तो ये हाथ उठने में टाइम नहीं लगेगा, और अधिकार है क्योंकि इनने मुझे भाई बोला है, और अच्छे के लिए उठाऊंगा हाथ, बुरे के लिए नहीं उठाऊंगा, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो उसके लिए हाथ उठेगा, अन्यथा ये आशीर्वाद कहाँ है, खुश रहिए, भागो, समाप्त हुआ। गुरुजी मैं जॉब के बारे में पूछना चाहती हूं। पहले तो सही तो हो जाओ, ये सब छोड़ो, जॉब लग जाएगी, सुबह सुबह टेला करो, भागो, अच्छी फिटनेस रखो बॉडी की, नौकरी हो जाएगी। अच्छा तो क्या समस्या है, क्या बाधा लेके आए, क्या परेशानी लेके आए? घर में पैसों की परेशानी रहती है,
जी, और मेरा काम में मन नहीं लगता है। ओके, क्या काम करते हैं? काम कुछ मिलता ही नहीं है, घर पे ही रहता हूँ बस। तो क्या काम करना चाहते हो? कुछ भी मिले। चलो, और कोई समस्या? और वो लव मैरिज लेके। लव मैरिज? जी। चलिए, क्या लव है? तो लव शादीशुदा लड़की है या कुंवारी है? कुंवारी। कुंवारी है। आप लव करते हैं? जी। कब से चल रहा है लव? 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में इतना नहीं कर पाए कि आपके संग चली आती हो? काय का लव है तुम्हारा? हमने तो देखा तक नहीं है, इतने लोग बैठे हैं यहाँ लाइन लगाए। 15-15 दिन ढक्के खा रहे हैं हमारे प्यार के चक्कर में कि कहीं गुरुजी ने कृपा कर दे। अर्थ गलत मत कर लेना, मैं बहु आरती बोलता हूं, उन्हीं फंस जाओ चक्कर में कहीं जी मेरे लिए तो नहीं कह रहे महाराज जी प्यार वाली बात। हम प्यार भी करते हैं तो डांट भी पूरी देता हूं, ठोकता भी पूरा हूं। हाँ तो भाई साहब, प्यार किससे है आपको? गिरजा से? नहीं, संगीता नाम, संगीता नाम की लड़की से। अच्छा, गिरजा नहीं है? नहीं। पहले थी कोई गिरजा? नहीं। संगीता ये पक्की? जी। कितने पढ़े लिखे हो? 12वीं तक। इधर देखो सामने, कहाँ के हो आप? उधर देखो सामने। उरई। उरई। उरई कहाँ रहते हो? उरई में जी, उरई से 30 किलोमीटर दूर। तो आप यहाँ से हाथ जोड़ के कहिए, ससुर साहब अपनी बेटी दे दो, मैं संकल्प लेता हूँ, कहीं धोखे से वीडियो पहुंच जाए तो कृपा हो जाए। समर्थन मैं कर रहा हूँ कि हो जाएगी, आशीर्वाद है गिरजा से। किससे? संगीता। संगीता से। स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है, पर स्क्रीन पर क्या लिखा है? संगीता देवी से आपको प्यार हो गया, उसके पिता का नाम महावीर है, महावीर की पुत्री है, लव चल रहा है आपका, 10 जून 2024 तक हो जाएगा, अन्यथा लापरवाही करने पर, भागने पर होगी, अन्यथा जेल जाना तय सुनिश्चित है। तो बेटा आपके संगीता से शादी हो जाएगी। मैं तो गिरजा बोल रहा था, लेकिन पर्ची पे पढ़ो और देखो, यदि ना लिखा हो तो मुझे टोको। गिरजा, गिरजा लिखा है, संगीता लिखा है? संगीता लिखा है। कहाँ लिखा है? हनुमान जी कृपा करेंगे। तुम्हारे होने वाले ससुर का अंदाज से नाम क्या है? महावीर। महावीर, लो कह देना भाई, मैं तो कम वीर हूं लेकिन दे दो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं गुरु जी, हमारा काम धाम नहीं चल रहा है। कर रहे? बोलो। हमारा काम धाम नहीं चल रहा है। कहाँ से आया? मैं ग्राम हदसा तहसील विसौली जिला बताई। ग्राम हदसा तहसील विसौली जिला बताई। थोड़ा हॉपलेस हो रहा हूँ आपके सामने। हॉपलेस मत लो, सीरियस हो। वहाँ भी हो गया था। कोई बात, बोलिए अब बताइए। तो हमारे कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, और हमारे घर में एक शौकीन अली नाम के थे, मैं उनके पास गया था किसी दूसरे के द्वारा। शौकीन अली नाम के एक थे, उनके पास में किसी दूसरे के द्वारा गया था ऐसे ही किसी कार्यवश। तो उन्होंने बताया था कि आपके घर में काफ़ी धन और माया है जो गड़ी हुई, मेरे पिताजी ने भी कर रहा। हाँ जी, तो कह दो, उखाड़ दो। वो जाने में पता नहीं भाई, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो उसके बाद मैं घर पे, सॉरी, तो वहाँ पर मैंने पापा से जाके पूछा, तो पापा ने बताया हाँ ये बात सच है, और घर में छनछन जैसी आवाजें आती हैं, और कभी कभी साई जैसी। वो जो सोना चांदी है वो छनछन करता है? मुझे नहीं पता, मारा मैंने सुना, वो मैं आपको बताया। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र पाठक। क्या काम है आपका? मेरा हर्ब का काम है, जड़ी बूटियों का रॉ मटेरियल तैयार करता हूँ, उसे मार्केट में सेल करता हूँ। देखिए स्किन पर जी, आयुर्वेदिक दवा खाना चलेगा, घर में धन गड़ा, बिजनेस प्राप्त होगा जी, और राम मंदिर की संपत्ति आपको पूर्णतः पचेगी। पूजा पाठ टाइम पे करना, भगवान राम के मंदिर की लगी हुई प्रॉपर्टी आपको फलीभूत होगी, और राम जी की कृपा से गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा, आशीर्वाद। कब तक मिलेगा महाराज जी? कब तक मिलेगा ये? जब तक तुम भगवान को अच्छे से पूजा करो, ईश्वर को अच्छे से भजो जी, मैं गारंटी देता हूँ सफलता मिलेगी 101%। ये अपने 2026 लिखा है क्या? हाँ, 26 तक मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन शराब, नशा पत्ता, लड़की बाजी ये सब छोड़ देना जी, तब मिलेगा। ठीक है महाराज।